लेकर पिछले काफ़ी समय से संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन उसमें सफलता अर्जित नहीं हो पाई थी। हाल ही में हमारे सीनियर साथी आरबी शर्मा जी के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि प्रेस क्लब के निर्माण हेतु आपके द्वारा ज़मीन आवंटित की जाए। उसी को लेकर आज एक मीटिंग की गई है। मीटिंग में कम लोगों को बुलाने का कारण कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कम लोगों को बुलाया गया। और यह मीटिंग करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि मंगलवार से प्रेस क्लब निर्माण की मांग को लेकर के एक धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के बाहर किया जाएगा। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था पत्रकारों के द्वारा प्रेस क्लब निर्माण की मांग को लेकर। उसके बाद घोषणा की गई थी कि 48 घंटे तक अगर प्रशासन ने प्रेस क्लब के निर्माण के संबंध में कुछ कार्रवाई नहीं की तो अलीगढ़ के पत्रकार भूख हड़ताल करेंगे। उसी संबंध में रूपरेखा बनाने के लिए आज पत्रकारों की एक बैठक हुई है, जिसमें तय हुआ है कि मंगलवार 28 जुलाई से अलीगढ़ के पत्रकार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने वाले हैं। क्या मनोज गुप्ता, अलीगढ़ में प्रेस क्लब की स्थापना के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष चलता आ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन अपनी कुछ हठधर्मिता मान लो या मनमानी मान लो, उसके लिए निर्णय नहीं ले पा रहा। पहले कई बार जिलाधिकारी के शासन को भी पत्र गए, उस पर शासन ने भी जानकारी मांगी है, लेकिन प्रेस क्लब के लिए कोई भूमि, जब तो सरकार के पास बहुत सी भूमि है इधर उधर धंधे के लिए और उसके लिए भूमि दे रहे हैं, जबकि विकास भवन कलेक्ट्रेट में अनेक उपयोगी ऐसी जगह है जहाँ प्रेस क्लब नगर निगम के पास भी बहुत जगह है जहाँ दे सकती है, लेकिन इधर उधर मार्केट बन जाती है, नुमाइश ग्राउंड में जो हो गया कि वो हो गया, इसके लिए जगह है। तो प्रशासन अगर चाहे तो ज़मीन दे सकता है। पत्रकार गत दिनों एक उन्होंने ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की है कि हम शांतिपूर्वक एक प्रेस क्लब की स्थापना करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें सहयोग करें। और प्रेस क्लब ये खाली पत्रकारों की, इससे उसको नहीं मदद मिलेगी, जिला प्रशासन को भी सहयोग मिलता है, पत्रकारों का, जनप्रतिनिधियों को मिलता है। अलीगढ़ में कौन सी पार्टी का नेता ऐसा नहीं है कि बिना पत्रकारों के सहयोग के आगे बढ़ गया, तो लिहाजा सबको सहयोग करना चाहिए। और मंगलवार से जो अनिश्चितकालीन विक्रमित अनशन पत्रकार करने जा रहे हैं, मैं सभी राजनीतिक दलों से और प्रशासन के लोगों से अपील करूँगा कि सब सहयोग प्रदान करें और पत्रकार के लिए एक प्रेस क्लब की स्थापना हो जाए, उसमें किसी का दिक्कत तो नुकसान तो है ही नहीं। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा कि उसमें सहयोग करें और जिला प्रशासन हमारी शांतिपूर्वक मांग को मानते हुए और हमारे उसमें सहयोग करें।